प्रथम वेदी पर महावीर प्रभु की प्रतिमा जी विराजमान है, जो 12वीं शताब्दी की है। दूसरी वेदी पर नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा जी विराजमान है, जो सन 1283 में श्री कीरदेव की पत्नी सोमा और उनके पुत्र श्रेष्ठी घघो द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई थी। तीसरी वेदी पर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा विराजमान है, जो 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। चौथी वेदी पर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी विराजमान है, जो सन 1106 में प्रतिष्ठित हुई थी। पांचवी वेदी पर तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा सन 1125 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 46। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में अति प्राचीन शैली में बनी ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा लेख रहित है और 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 47। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जिस पर एक पंक्ति का अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 48। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो लेख रहित है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 49। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो लेख रहित है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की है। इस प्रांगण में प्रवेश करते ही बड़ा सुखद एहसास होता है। यहाँ स्थित मंदिर हमें प्राचीन काल में ले जाते हैं। मंदिर क्रमांक 50। तीर्थंकर विमलनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा जायसवाल जाति के श्री पटदास की पत्नी बैती के पुत्र पंडित छोटे राम ने सन 1779 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 51। तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण सन 1703 को हुआ था। विराजमान प्रतिमा जी पर अस्पष्ट अभिलेख अंकित है, जो प्रतिमा का अति प्राचीन होना दर्शाता है। मंदिर क्रमांक 52। तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण ललितपुर के श्री रामचंद्र जी द्वारा सन 1860 में कराया गया था। इसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार के तीनों ओर कक्षासनों का निर्माण किया गया है। यह अर्धमंडप कई स्तंभों एवं भित्ति स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों पर हीराकृति प्रकार के पुष्पों एवं घट पल्लव रचना का अंकन मिलता है। इस मंदिर में 12वीं शताब्दी की प्रतिमा जी विराजमान है। जानकार बताते हैं कि भले ही इस प्रतिमा जी में लांछन वृषभ का निरूपण नहीं हुआ है, किंतु कंधों पर लटकती केश वल्लरियों से उनकी पहचान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के रूप में संभव है, इसलिए यह प्रतिमा जी आदिनाथ प्रभु की है।
पश्चिम दिशा के कक्षासन पर दो चरण युगल रखे हुए हैं। इनकी स्थापना सन 1860 को हुई थी। तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1996 में हुआ तथा प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1995 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 53। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में वेदी पर बलुआ पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा लगभग 12वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 54। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में कृष्ण वर्ण की प्रतिमा जी विराजमान है। लेखानुसार यह प्रतिमा जी कुंतनाथ प्रभु की होनी चाहिए। प्रतिमा की प्रतिष्ठा साधु सुपा के पुत्र वरोवा ने सन 1115 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 55। छतरी नुमा इस मंदिर में सर्वतोभद्रिका प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा में चारों और तीर्थंकरों को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। वर्तमान में ये चारों तीर्थंकर चंद्रप्रभ, धर्मनाथ, पद्मप्रभ और महावीर के रूप में पूजनीय हैं। प्रतिमा लगभग 16वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 56। तीर्थंकर श्रेयांशनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में बलुआ पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा लगभग 12वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 57। यह मंदिर सोनागिर का सर्वप्रमुख मंदिर है और इस सिद्ध क्षेत्र का मूल नायक जिनालय है। प्राचीन काल में इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्वार हुआ। प्राप्त अभिलेखों में सन 1826 में लाला श्री लक्ष्मीचंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य का प्रारंभ किया और इस अवसर पर श्री विजय कीर्ति सूरी अपने परम शिष्य परम सुख भागीरथ एवं अन्य शिष्यों के साथ उपस्थित थे। मंदिर जी के सामने प्रांगण में 24 और एक विशाल मानस्तंभ निर्मित है। उत्तराभिमुखी यह मंदिर आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा और इस सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पर्वत का प्रथम अति प्राचीन जैन मंदिर है। मूल संग बलात्कारगढ़ के श्रवणसेन और कनकसेन दो भाइयों के समय पौष सुदी पूनम संवत 335 अर्थात सन 278 को इस मंदिर में मूलनायक चंद्रप्रभु विराजित हुए थे। वेदी क्रमांक 1। इसे कलकत्ता वालों की वेदी भी कहा जाता है। यहाँ तीन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा मुनि सुव्रतनाथ प्रभु 1943, महावीर प्रभु 20वीं शताब्दी और पद्म प्रभु की 1953 में हुई। वेदी क्रमांक 2। आगरा वालों की वेदी, यहाँ विराजमान पार्श्व प्रभु की प्रतिष्ठा सन 1873 में हुई। मूलनायक वेदी के बाईं ओर वाले गर्भगृह में
तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की 15वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है। महा अतिशयकारी मूलनायक चंद्र प्रभु की यह प्रतिमा जी सन 278 से प्रतिष्ठित है। प्रतिमा जी के नेत्रों से सदैव प्रकाश की किरणें प्रफुल्लित होती है। यहां आकर प्रभु के दर्शन करना प्रत्येक श्रावक के जीवन का सौभाग्यशाली क्षण होता है। मूलनायक बेदी के दाईं ओर वाले गर्भगृह में तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की 15वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है। बेदी क्रमांक 3। इस बेदी को दीवान जी वाली बेदी कहते हैं। यहां 5 प्रतिमाएं विराजमान है। बेदी क्रमांक 4। इस बेदी को कालपी वाली बेदी कहते हैं। यहां विराजमान पार्श्व प्रभु की प्रतिष्ठा 1873 में हुई। बेदी क्रमांक 6, जो कि वेदी क्रमांक 4 एवं 5 के मध्य बने बरामदे में सन 2005 में निर्मित हुई है। इस वेदी पर शीतलनाथ प्रभु, चंद्र प्रभु और पार्श्व प्रभु की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनकी प्रतिष्ठा कमलानगर मेरठ निवासी श्रीमती कौशल धर्मपत्नी श्री पवन कुमार जैन तेल वालों ने करवाई। बेदी क्रमांक 5। इन बेदी पर सुपार्श्वनाथ प्रभु की सन 1215 में प्रतिष्ठित हुई प्रतिमा जी विराजमान है। मंदिर क्रमांक 57 के सामने प्रांगण में बाईं ओर 3 जिनालय निर्मित हैं, जिनमें मुनि नंद कुमार जिनालय, फिर बाहुबली जिनालय और मुनि अनंत कुमार जिनालय बने हुए हैं। जिनालय के आगे वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवान के छोटे छोटे जिनालय बने हुए हैं, जिनमें सभी तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग प्रतिमाएं विराजमान हैं। समव शरण मंदिर। यह मंदिर चंद्र प्रभु मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है।
इससे प्रविष्ट करते ही अंदर संगमरमर पाषाण से समवशरण की रचना बनी हुई है, जिसके मध्य में एक ऊंची वेदी पर संगमरमर पाषाण से निर्मित तीर्थंकर चंद्रप्रभु की पद्मासन मुद्रा में चार प्रतिमाएं चारों दिशाओं में एक एक करके स्थापित है। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन प्रतिमाओं का निर्माण स्वर्गीय लाला झंडूमल के सुपुत्र स्वर्गीय श्री मुखीमल जैन जायसवाल नाई की मंडी शांतिवीर नगर आगरा वालों ने सन 1966 में कराया था। मंदिर क्रमांक 58। इस मंदिर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु, तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु और तीर्थंकर महावीर प्रभु की प्रतिमाएं विराजमान हैं। लेखानुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1798 को दतिया नगर के महाराजाधिराज छत्रजीत जूदेव के राज्यकाल में बलवंतनगढ़ के निवासी परवार गोत्र इक्ष्वाकु वंश के सिंधी परमानंद की पत्नी प्रताप कुवरी के पुत्र लाला भगवान दास, लाला मकुदलाल और राम प्रसाद ने करवाया था। मंदिर क्रमांक 59। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर जी में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 60। तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित यह मंदिर आकार में गोलाकार 3 सोपानों में निर्मित किया गया है। यह पिसनहारी की मढ़िया के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि इस मंदिर का निर्माण एक आटा आदि पीसने वाली महिला ने अपनी मजदूरी में से पैसे जोड़कर करवाया था। इसी कारण इस मंदिर का आकार चक्की के पाटों जैसा बनाया गया। तीसरे सबसे ऊपरी सोपान पर बनी एक वेदी के अंतर्गत तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा तक पहुंचने के लिए प्रत्येक सोपान पर सीढ़ियों के मार्ग का विधान हुआ है। इस प्रतिमा के आसन पर लांछन स्वस्तिक एवं 2 पंक्तियों का देवनागरी लिपि एवं संस्कृत भाषा में एक अभिलेख अंकित है। मूर्तिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1491 में श्री मूल संघ के श्री जिनचंदर देव के निर्देशन में करवाई थी।
मंदिर क्रमांक 61 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेखरहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 62 तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 63 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 64 तीर्थंकर पार्श्व प्रभु को समर्पित इस मंदिर में प्रतिमा जी की स्थापना खंडेलवाल जाति शाह गोत्र के सेठ उत्तम चंद्र की पत्नी जुमना वाई और उनके पुत्र सुपुटु चंद्र व उनकी पत्नी केसर वाई ने सन 1873 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 65 तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस मंदिर में प्राप्त अभिलेख की तिथि सन 1923 है और इसमें मूल संघ का उल्लेख हुआ है। मंदिर क्रमांक 66 तीर्थंकर संभवनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में सन 1828 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है।